Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at home. Students, today we will start the revision. Our first chapter of revision is The Tale of Benjamin Bunny. So come to the class. Yes students, what is the name of our chapter? The Tale of Benjamin Bunny. And today we are doing the revision of our chapter. Who is the main character of our story? Yes, Benjamin Bunny and Peter. बेटा बेंजामिन बनी किसकी हेल्प करेगा? पीटर की हेल्प करेगा, क्योंकि हमारे चैप्टर का थीम क्या है? हेल्पिंग अदर्स. वन डे क्या होता है, जो बेंजामिन बनी होता है वो अपने कजन्स के पास जाता है. फ्लॉपसी, मॉपसी, कॉटन टेल एंड पीटर, ये सब उसके कजन्स हैं. तो क्या होता है, जब अपने कजन्स के पास जाता है तो उसका जो कज़न होता है, उसका कज़न कौन? फ्लॉपसी, मॉपसी, कॉटन टेल और पीटर. उसमें से पीटर क्या होता है, वह ट्रबल में होता है. किस ट्रबल में होता है, चलो देखते हैं. जो ओल्ड मिसेस रैबिट होती हैं, उसने पहले ही लिटिल बनीस को क्या बोला होता है कि आपको कहाँ नहीं जाना? ग्रेगर्स के गार्डन में नहीं जाना. लेकिन उसके जो तीनों होते हैं बनीस, फ्लॉपसी, मॉपसी एंड कॉटन टेल, वो तो अपनी मदर की हर बात मानते हैं, लेकिन पीटर नहीं मानता. तो क्या होता है, जो पीटर बनी होता है वो ट्रबल में फंस जाता है. जब आप भी अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते हो तो आप पे भी ट्रबल आ जाती है ना, ऐसी ट्रबल पीटर पे आ गई. तो क्या हुआ, उस मॉर्निंग में जब लिटिल बेंजामिन पीटर के पास गया तो उसने क्या देखा कि पीटर बहुत ही सैड लग रहा था. वो सैड क्यों था, क्योंकि उसने रेड कॉटन हैंडकरचीफ पहना हुआ था, उसके क्लोथ्स गायब थे. लिटिल बेंजामिन उससे पूछता है कि पीटर तुम्हारे क्लोथ्स कहाँ गए? तो पीटर क्या कहता है कि मेरे क्लोथ्स कहाँ गए, मिस्टर ग्रेगर्स का जो गार्डन है उसके स्केयरक्रो के पास हैं. बेटा स्केयरक्रो क्या होता है, मैं आपको स्टोरी में पहले भी बता चुकी हूँ, वो एक तरह का ह्यूमंस मॉडल होता है, जो किस लिए बनाया जाता है, बर्ड्स को डराने के लिए बनाया जाता है और फील्ड में लगाया जाता है. ठीक है, तो लिटिल बेंजामिन कहता है कि तुमने अपने शूज़ और कॉट भी लॉस्ट कर लिया. तो वो कहता है हाँ, लेकिन अब उसको वापस कैसे लाया जाए? तो लिटिल बेंजामिन उसको क्या कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम वापस ले आएंगे. कैसे ले आएंगे, क्योंकि जो मिस्टर ग्रेगर हैं वो तो आउटसाइड गए हुए हैं. स्टोरी के स्टार्टिंग में बताया गया था बेटा, सी हियर, कि जो मिस्टर ग्रेगर हैं और उसकी वाइफ कहाँ जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं. ठीक है, और लिटिल बेंजामिन उनको देखता है बाहर जाते हुए, तो कहता है हम तुम्हारा अभी क्लोथ्स वापस ले आएंगे. तो पीटर खुश हो जाता है. बेटा जब आपको अपनी कोई चीज़ वापस मिलेगी तो आप भी खुश होगे ना, तो पीटर भी खुश हो जाता है. और जब वो गार्डन में जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि स्केयरक्रो ने पीटर के कोट, शूज़ और ओल्ड वुलन कैप पहन रखी होती है. लिटिल बेंजामिन क्या कहता है कि यदि हम गेट्स के नीचे से जाएंगे तो हमारे क्लोथ्स क्या हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे. तो प्रॉपर वे क्या है कि हम पियर ट्री के ऊपर चढ़ के चले जाते हैं. ओके, तो वो पियर ट्री पे चढ़ के चले गए. तो उसके बाद क्या होता है, तो लिटिल बेंजामिन कहता है कि सबसे पहले तो हम पीटर के क्लोथ्स वापस लेते हैं. ठीक है, सो दैट दे वुड बी एबल टू यूज़ द पॉकेट हैंडकरचीफ, ताकि वो पॉकेट हैंडकरचीफ का यूज़ कर सकें. तो पॉकेट जो हैंडकरचीफ है उसका यूज़ वो क्या करते हैं, दे क्विकली टुक द क्लोथ्स ऑफ द स्केयरक्रो. वो स्केयरक्रो से फटाफट कपड़े उतार लेते हैं. इट हैड रेन ड्यूरिंग द नाइट. पूरी नाइट क्या होता है, रेनिंग होने की वजह से पीटर के क्लोथ्स किले हो जाते हैं, शूज़ भी, कॉट भी. लेकिन अब किया क्या जा सकता है, लिटिल बेंजामिन क्या सुजेस्ट करता है कि हम फटाफट अब इस पॉकेट हैंडकरचीफ को अनियन से फिल कर लेते हैं. और ये क्या करेंगे, हम ये आंट को प्रेजेंट दे देंगे. ठीक है, After they pick the onions, they pluck her a bunch of flowers. पहले तो वो अनियन पिक कर लेते हैं, फिर वो क्या करते हैं, बंच ऑफ फ्लावर्स लेते हैं, उनको भी डाल लेते हैं. लेकिन अब हैवी तो हो ही जाएंगे, इतना हैवी लोड हो जाता है, जिसकी वजह से जब वो पियर ट्री पे चढ़ने की कोशिश करते हैं तो चढ़ नहीं पाते. तो वो क्या करते हैं, वो गार्डन के दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं. तो वहाँ क्या होता है, वहाँ एक बिग कैट बैठी होती है. बिग कैट को देख के घबरा जाता है लिटिल बनी. अब क्या करें, लिटिल बेंजामिन कहता है कि डर जाते हैं, अब क्या करें. वो क्या देखते हैं, अ लार्ज किट वो सिटिंग राइट देयर, वहाँ बैठी होती है. वो उन्होंने क्या किया, वो क्विकली एक लार्ज बास्केट के नीचे छिप गए. ठीक है, द कैट विच हैड बीन लुकिंग द अदर वे, जो दूसरी तरफ उनको देख रही थी, वो एकदम से उनको घूरने लगी. शायद उसे अनियन की स्मेल अच्छी लगी होगी, इसलिए वो बास्केट के ऊपर बैठ गई. लिटिल बेंजामिन एंड पीटर स्टार्टेड क्राइंग, उन्होंने क्राइंग शुरू कर दी. लेकिन तब क्या हुआ, सडनली जो लिटिल बेंजामिन के जो फादर होते हैं वो वहाँ आते हैं, उनको उनकी वॉइस सुनाई दे जाती है पीटर की. तो वो क्या करते हैं, कैट को पकड़ते हैं और उसे लॉक कर देते हैं गार्डन हाउस में. फिर क्या करते हैं, दोनों को
पीटर को और लिटिल बेंजामिन को उनके ईयर से पकड़ते हैं, उन्हें बाहर निकाल देते हैं और वो क्या करते हैं, अपना जो फुल ऑफ अनियंस और फ्लावर्स का जो हैंडकरचीफ होता है वो भी साथ ले आते हैं और भागे भागे उसको बाहर ले आते हैं। पीटर फिर क्या जाता है, फिर वो घर चला जाता है और घर जाने के बाद वो अपनी मदर को अनियन और फ्लावर्स गिफ्ट करता है और उसकी मदर बहुत ही हैप्पी हो जाती है वंडरफुल गिफ्ट देख के, और वो उसे नहीं डांटती है बल्कि वो खुश हो जाती है क्योंकि उसको अपना शूज़ और कोट भी वापस मिल गया था। सो स्टूडेंट्स, आज हमने अपनी स्टोरी को दोबारा रिवाइज कर लिया, आपको ये अच्छे से समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है बेटा, इन टूडेज होमवर्क यू हैव टू रीड दिस चैप्टर केयरफुली, आपको इस चैप्टर को अच्छे से केयरफुली रीड करना है ताकि हम नेक्स्ट क्लास में जो उसकी आगे रिविज़न करेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।